मैं हूँ रागनी कुमारी, आपका आइकॉन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी एक्सेल में सैलरी सीट के बारे में कि सैलरी सीट को निकालते कैसे हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इसे निकालने में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलरी सीट। सैलरी सीट में पहले हमने एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट नेम, बेसिक सैलरी, ये पहले से ही हम लोगों ने लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा टाइम ना लगे। आइए हम लोग जानते हैं एम्प्लॉय कोड किसे कहते हैं। एम्प्लॉय कोड का मतलब होता है जो एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं उनका अपने अनुसार वहाँ कोड दिया हुआ होता है। 1-1002-1003 यहाँ दिया हुआ है। एम्प्लॉय का नेम होता है जहाँ जो एम्प्लॉय वहाँ काम करते जिस कंपनी में उनका अपना अपना यहाँ नाम होता है। पोस्ट जिस अनुसार जो कंपनी में वो काम करते हैं उस अनुसार उनका पोस्ट होता है। जैसे यहाँ पोस्ट का नाम भी दिया हुआ है, मैनेजर, एसआर मैनेजर, पियोन मैनेजर आदि। बेसिक सैलरी जिस पोस्ट पर जो वो काम करते हैं उस अनुसार उनकी सैलरी मिलती है। आइए हम लोग जानते हैं टीए किसे कहते हैं। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब यात्रा भत्ता। हम लोग जानेंगे कि टीए कैसे निकालते हैं। टीए निकालने के लिए पहले हम लोग इक्वल करेंगे। टीए निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्सर को टीए के सामने रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इक्वल लिखेंगे। इक्वल बेसिक सैलरी का 6% हम लोग निकाल देंगे। इक्वल टू बेसिक सैलरी का हम लोग 6% निकाल देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे तो वो हमारा टीए निकल जाएगा। आइए हम लोग डीए निकालना जानते हैं। डीए का मतलब होता है डेयरनेस अवेयरनेस, मतलब महंगाई भत्ता। इसको निकालने के लिए पहले हम लोग इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद बेसिक सैलरी का 7% हम लोग निकाल देंगे तो वो हमारा हो जाएगा डीए और इंटर कर देंगे तो उसी अनुसार हमारा डीए निकल जाएगा। अब एचआरए निकालने के लिए जानते हैं। एचआरए निकालने के लिए भी हम लोग पहले इक्वल टू करेंगे, फिर बेसिक सैलरी का हम लोग 9% निकाल देंगे तो वो हमारा हो जाएगा एचआरए, फिर उसके बाद इंटर कर देंगे। इक्वल करके हम लोग बेसिक सैलरी का 9% निकाल देंगे और इंटर कर देंगे तो वो हमारा एचआरए हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम लोग इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए को ऐड करके निकाल देंगे तो वो हमारा ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। हम लोग को पीएफ अब निकालना है। पीएफ निकालने के लिए पहले हम लोग यहाँ इक्वल करेंगे। इक्वल करके बेसिक सैलरी का 3% हम लोग निकाल देंगे तो वो हमारा पीएफ हो जाएगा। और नेट सैलरी निकालने के लिए पहले हम लोग इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी में से हम लोग पीएफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे तो वो हमारा नेट सैलरी हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग सभी को ट्रैक कर देंगे तो हमें बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही हमारा निकल जाएगा। चाहे वो टीए हो डीए हो, सारा एक बार अगर हम लोग कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। अब हम लोग को सारा एक बार निकालने के लिए पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। टीए का जो सिलेक्टिंग इसको सिलेक्ट करने के बाद जब हमारा पतला कर्सर आएगा तो वो हम ट्रैक कर इसको ट्रैक कर देंगे तो वो हमारा एक बार में सारा टीए डीए एचआरए ग्रॉस सैलरी पीएफ और नेट सैलरी एक बार में हमारा निकल जाएगा। इसे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।